Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. सेहमुख माया सुरासई और ऋषि कश्यप का पुत्र है। उसका वध करने के लिए प्रभु कार्तिकेय को अपना विराट देव सेनापति स्वरूप धारण करना होगा। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। जिस प्रकार शक्ति गतिमान होकर शिव को संसार के प्रति उनके हृदय में भाव जगाती है, उसी प्रकार मेरे सहयोग से स्वामी की पूजा भी पूर्ण हो रही है। पुत्री, तुमने न केवल शिव और शक्ति के दिव्य बंधन को समझाया है, अपितु इस अंतिम परीक्षा में भी पुत्र कार्तिकेय को सफल बनाया है। मेरी और इस संपूर्ण सेना की शक्ति तो आप ही हैं देवसेना। आपकी सहायता के बिना मैं ये कार्य पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। सेहमुख, कुछ किए बिना उसका भी अंत हो गया। नहीं नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का, ये युद्ध का अंत कल मैं स्वयं करूंगा। निर्णायक युद्ध होगा कल, जहां देवताओं की पराजय और असुरों की विजय होगी। प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्रों का, अपने भ्राता का। क्षमा नहीं, दया नहीं, बस क्रोध। बस अब हमारे क्रोध का सामना करना होगा असुर माता सुरासई को। हे
संपन्न होने को है मेरा यज्ञ। जो मृत है वो भी जीवित हो उठेंगे। कैसा है ये युद्ध जो एक एक करके सारे कुलदीपकों को बुझाता चला जा रहा है? मेरे पुत्र, अब कैसे वापस बुलाऊं तुम्हें? स्वामी, आपने कहा था विजयी होंगे आप, तो क्यों चले गए मुझे छोड़कर? लौट आइए स्वामी, अपनी विभूति के निकट। अनावश्यक युद्ध होता और ना ही हमारे स्वजनों का इस प्रकार वध होता और ना ही उन्हें जीवित करने हेतु यज्ञ करना पड़ता। इनका ये रोना धोना माँ के ध्यान को भंग करेगा। रुक जाओ, माँ के यज्ञ में अवरोध उत्पन्न मत करो। हमें मत रोकिए, एक अंतिम बार अपने पुत्र को देख लेने दीजिए ना। बस बंद करो अपना रोना, यहाँ पे कोई मृत नहीं है। माँ का यज्ञ संपूर्ण होते ही ये दोनों ही नहीं किंतु सभी असुर योद्धा जीवित हो जाएंगे, इसीलिए उनके यज्ञ में बाधा मत बनो। जाओ यहाँ से, कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। सफल हो रहा है माँ का यज्ञ। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपने सभी योद्धा खो चुका है सुरापतमन। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कल रणभूमि में वो स्वयं उतरने के लिए विवश हो जाएगा, किंतु इस बार वो बिना तैयारी के कदापि नहीं आएगा। गणेश का ध्यान कहाँ है? माया सुरा से मृत संजीवनी यज्ञ कर रही है, अर्थात सभी मृत असुरों को कल के युद्ध के लिए पुनः जीवित कर रही है। कल इस युद्ध का अंत होगा और विजय हम असुरों की होगी और एक नवीन इतिहास की रचना होगी। सुरासई का ये यज्ञ यदि सफल हो गया तो घोर अनिष्ट होगा, और जो असुर पहले ही अपने प्राण खो चुके हैं उन्हें भला कैसे आहत किया जा सकता है? इसलिए समय रहते हमें इस यज्ञ को रोकना ही होगा। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, यदि आपका ये भक्त इस अनैतिक यज्ञ को रोक सकता तो अवश्य इसे रोककर आपका सहायक बनता। अनुज गणेश, इस यज्ञ का रुकना अनिवार्य है। हमें कुछ भी करके इस यज्ञ को रोकना ही होगा। तो प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी जाकर इसे रोक देता हूँ। नहीं नहीं वीर बाबूजी, माता सुरासई के यज्ञ को रोकना कदाचित आपके लिए संभव नहीं है। इस यज्ञ के लिए उन्हें वरदान प्राप्त है जिसके अनुसार धरती पर माता आदि शक्ति के वर्तमान अवतार द्वारा ही माँ माया के इस मृत संजीवनी व्रत को खंडित किया जाना संभव है, और वो भी तब जब दिन में भी रात जैसा अंधकार होगा
इसी कारण जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, माता सुरासई महेंद्रपुरी के आकाश में रात नहीं होने देंगी। इस समय तो धरती पर माता का कोई भी वर्तमान अवतार नहीं। क्या माया सुरासई सफल हो जाएगी? क्या उसके अधार्मिक यज्ञ को रोका नहीं जा सकता? यदि उसे रोकेंगे भी तो उसे रोकने में सामर्थ्य रखने वाला वो कौन होगा? संकट है, ये मानता हूँ, किंतु संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान नहीं। समस्या का हल भी समस्या की जड़ में ही छिपा होता है। इसका हल अवश्य महेंद्रपुरी में ही होगा। मुझे अनुमति दें भ्राता। अवश्य गणेश। ओम सुब्रमण्यम स्वामी प्रभु कार्तिके। ओम सुब्रमण्यम कार्तिके स्वामी। ये दिव्य शीतल पवन प्रभु का संकेत है। प्रभु गणेश जी, प्रभु प्रभु अभी तो यहीं थे, तो फिर कहाँ चले गए? श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। मेरे प्रभु मेरे पथ प्रदर्शक है, तो फिर मुझे क्या चिंता? महेंद्रपुरी में वहाँ कौन है जो हमारा साथ देगा? और कौन है वो जो इस कठिन कार्य को संपन्न करेगा? जयंत, वहां तो मेरा पुत्र जयंत है। किंतु वो तो बंदी है, और एक अकेले बालक के लिए इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करना कठिन होगा। फिर ऐसा कौन है प्रभु जो माया सुरासई को रोक सके? जयंत अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। आपकी पुत्री देवी पद्म कोमल और यमराज की पुत्री देवी विभूति। माताओं, स्वामी को जयंत कारागार के बाहर यहाँ नहीं दिखना चाहिए। आप दोनों को ही साहस करना होगा, प्रभु पर विश्वास रख आगे बढ़ना होगा, इस यज्ञ को रोकना होगा। जयंत, यहाँ कैसे? स्वामी ने तुम्हें देख लिया तो भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए पुत्र? क्या तुम स्वामी के क्रोध से परिचित नहीं? प्रश्न ये नहीं माता कि मैं यहाँ क्यों और यहाँ मेरी सुरक्षा कैसे होती है। प्रश्न तो ये है कि असुर सैनिकों से सुरक्षित उस कारागार से निकल के मैं यहाँ पहुँचा कैसे? स्वयं प्रभु श्री गणेश जी ने मेरी सहायता की, उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया। किंतु
इस प्रकार यदि किसी ने यहाँ तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं माताओ, अनर्थ तो तब होगा यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया। कदाचित इसलिए प्रभु श्री गणेश जी ने मुझे आपके निकट भेजा है, क्योंकि आप दोनों ही इस यज्ञ को रोक सकती है। हम दोनों? वो दोनों ऐसा कैसे कर सकती है? वो माता आदि शक्ति नहीं है। उन दोनों में ही नहीं अजा मुखी जी, प्रत्येक नारी में माता आदि शक्ति का अंश है। इसलिए वो दोनों ही नहीं अपितु आप भी माता आदि शक्ति की स्वरूप हैं। मैं तो असुर कन्या हूँ। मैं भी नारी, आसुरी, दैवीय या साधारण हो, माता उनमें कोई भेद नहीं करती। उनकी कृपा दृष्टि सभी पर समान रूप से रहती है। सत्य तो ये है कि नारी रूप प्राप्त होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि प्रत्येक नारी माता आदि शक्ति की प्रतिरूप है। रूप भिन्न हो सकते हैं, किंतु शक्ति एक है, माता आदि शक्ति की शक्ति। आप ही माता आदि शक्ति की अवतार है। यदि तुम्हारे ये वचन सत्य भी है तो भी हम इस यज्ञ को क्यों रोके, जिसकी सफलता से मुझे मेरे पुत्र मिलेंगे, जिन्हें मैंने युद्ध में खो दिया है, और मुझे मेरे सुहाग का सौभाग्य। अवैदिक यज्ञ से जो भी प्राप्त होगा वो प्राकृतिक नहीं होगा, मृत्यु से भी भयंकर जीवन होगा उनका। प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी, अत्यंत विकृत, भयंकर, वो बस भक्षण करेंगे, अन्य सभी का ही नहीं, एक दूसरे का भी भक्षण। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। यदि यज्ञ पूर्ण हुआ तो फिर आपके इन प्रियजनों को वो भी प्राप्त नहीं होगा जिसके अब ये अधिकारी है, मुक्ति के, मोक्ष के। नहीं, हम उनकी पीड़ा का कारण नहीं बन सकती। आप उनकी सहायता कीजिए। तुम दोनों को जाने का आदेश दिया था मैंने। जाने का आदेश दिया था ना मैं, फिर भी यहां रुकने का दुस्साहस कर रही हो। किसे छुपा रही हो अपने पीछे? सुना नहीं तुम दोनों ने? हटो मेरे सामने से। तो कोई नहीं है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये क्या हुआ था?
हमें निद्रा कैसे आ गई? शीघ्र देखो, कारागार में सब उचित तो है ना? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरा आदेश ठीक से सुना नहीं तुमने? जाओ, कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। क्योंकि कल जो युद्ध में होगा उसकी तो कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। पुत्र सुरापद्मा, पुत्र सुरापद्मा, कल का युद्ध तुम्हें करना है, किंतु पूरी तैयारी के साथ, ताकि तुम अपनी माँ का मान रख सको। उस कार्तिकेय ने मेरे आंचल से तुम्हारे पुत्र, मेरे पुत्रों को छीन कर मेरे हृदय को छन्नी कर दिया है। इसलिए पुत्र जाओ, तुम्हारी मृत्यु स्वीकार कर लूंगी मैं, किंतु पराजय होकर लौटे तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र। राजभवन का सुख त्यागा, कठोर परिश्रम कर गुरु शुक्राचार्य से माया की शिक्षा प्राप्त की, किसी राजा की पत्नी ना बनकर एक वृद्ध ऋषि को अपना पति बनाया। किसके लिए? तुम सबके लिए, ताकि उसके तपोबल से तुम जैसी संतानें प्राप्त हो, जो अत्यंत बलशाली हो, जिन्हें किसी के भी सामने झुकने पर कभी विवश न होना पड़े। माँ की इच्छा पूर्ण करना तो हर बेटे का कर्तव्य होता है। फिर मैं तो असुर सम्राट सुरापद्मन, जिस माँ ने हमारे लिए इतने त्याग, इतने कष्ट सहे, उन पे और कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लूंगा। जाने से पहले मैं शिव आराधना करूंगा, स्मरण कराऊंगा महादेव को कि उन्होंने अजय होने का वरदान दिया था, अजय होने की अनुमति दीजिए हमें। तो अब यज्ञ रोकने का दायित्व दोनों देव पुत्रियां ही निभाएंगे, और हम सब यहां इस युद्ध की तैयारी करेंगे। और इस युद्ध पर जाने से पूर्व मैं पिताश्री महादेव की पूजा करूंगा, उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से, उन्हीं के तीर्थ स्थलों की यात्रा से हम यहां तक पहुंचने में समर्थ हुए। तो अब आगे भी विजय हमें वही दिलवाएंगे। का
जीवन के बाद भी जो यज्ञ हमारे प्रियजनों के कष्ट का कारण बनेगा, उसे रोकने का उपाय हमें करना ही होगा। ये तो मात्र मेरी कल्पना थी। वहां मेरे प्रभु वहां है। प्रभु, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन प्रत्येक स्थान पर हो रहे हैं। इसका अर्थ है युद्ध का अंत निकट है। प्रभु नहीं, मैं हूं वल्ली। आइए, आज हम एक साथ मिलकर पुष्प और बेलपत्र एकत्रित करते हैं। वो दृश्य जो बार बार मुझे दर्पण में दिखाई दिया था, कहीं वो सत्य तो नहीं होने वाला है? कहीं प्रभु के आने पर ये उनके सामने हुई? और आपका ध्यान कहाँ है देवसेना? अब समझी, आप प्रभु भक्ति में कुछ अधिक ही लीन हैं। भक्ति में लीन तो मैं सदैव रहती हूँ, किंतु आज मैं अपनी चिंता दूर करने की चिंता में। आज की पूजा समाप्त होने तक मुझे इस वन कन्या वल्ली को यहाँ से जाने के लिए कहना ही होगा। किंतु इतनी कठोर कैसे बन जाऊं मैं? कैसे कहूं इसे जाने के लिए? जाना है ना? जाना है। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें जाना है। पूजा के लिए विलंब हो रहा है। देखिए, सूर्योदय भी होने वाला है। जाना तो होगा ही, इसे जाना होगा यहाँ से दूर, और मुझे इसे भेजना होगा। वही एक उपाय है इसे मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आने से रोकने का। स्वामी, आपके अस्त्र। मेरे अस्त्र, मेरे मायावी शक्तिशाली अस्त्र, जिससे अंत करूंगा मैं उन देवताओं का। हे शक्तिदन, हे पशुपतास्त्र, आज के इस युद्ध में मुझे आप दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी। जीवन मृत्यु का प्रत्येक निर्णय प्रकृति व्यक्ति के कर्मानुसार नियत करती है, और प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप सदैव विनाशकारी होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।